Namaste. We welcome you in the online classes of Abhyuday Vidyasthali School. Today we will study the topic molecules of chapter number 3, that is atoms and molecules. ठीक है, part 7 video है chapter number 3 का. इसमें हम molecules के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम atoms के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत smallest unit होते हैं किसी भी matter की, and उनकी properties देख चुके हैं. So what is a molecule? A molecule is a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. ठीक है, एक molecule जो है वो किन से मिलकर बना है, इसकी unit क्या होंगी? Atom होंगी. जब भी दो या दो से ज्यादा atoms combine होंगे, कैसे combine होंगे? वो attractive forces के through combine होंगे. तो किसका formation हो जाएगा? Molecules का. ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो है उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, वो कितने एटम से मिलकर बना होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है, सो देयर आर फोर और फाइव टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी. फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक. सो मोनो एटॉमिक हम किसे बोलेंगे? मोनो टर्म का मीन्स होता है वन. ठीक है, वेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम ओनली इट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. मतलब एटम्स तो बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बट टाइप ऑफ एटम कितना होगा? ओनली वन. ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम ओनली, जब सिंगल एटम से मिलकर ही बना होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनो मींस वन, एटॉमिक मींस एटम एंड मॉलिक्यूल. जनरली नोबल गैसेस फॉर्म मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. सो जो पीरियडिक टेबल होती है हमारी, उसमें मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और लास्ट में होती नोबल गैसेस, जो किसी के साथ ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करती. तो जो नोबल गैसेस है वो कैसी होती है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करती है वो. फॉर एग्जांपल हीलियम एंड नियॉन. ठीक है, डाई एटॉमिक. डाई का मीनिंग होता है टू. ठीक है, डाई एटॉमिक व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स इट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. जब किन के कॉम्बिनेशन से बनेगा कोई भी मॉलिक्यूल? दो एटम्स के. ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, दैट इज H2. टू है, दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो हम क्या कहेंगे उसे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2. ठीक है, जब भी दो एटम से मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल. डाय मीन्स टू. देन ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल. सो ट्राई का मीनिंग होता है थ्री. जब तीन एटम से मिलकर के कोई भी एलिमेंट या फिर कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एटम्स इट इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, दैट इज O3. O3 को हम क्या कहते हैं? ओजोन. सो ओजोन लेयर होती है हमारे एटमोस्फियर में, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. आफ्टर दैट टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा मीन्स फोर. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा मोनो मीन्स वन, डाय मीन्स टू, ट्राय मीन्स थ्री एंड अब है टेट्रा मीन्स फोर. व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एटम्स इट इज कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. जब कोई भी मॉलिक्यूल चार एटम्स से मिलकर बना होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसे होता है? P4, दैट इज टेट्रा मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है. पॉली एटॉमिक. पॉली एटॉमिक. पॉली मतलब होता है बहुत सारे. ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. अभी तक हम बोल रहे थे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा. ठीक है, हम डाई एटॉमिक के बाद कहने लग जाएंगे पॉली एटॉमिक, इंस्टेड ऑफ सेइंग ट्राई और टेट्रा. ठीक है, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल मोर देन टू एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा तो हम कलेक्टिवली उसे क्या कह देंगे कि वो एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जाम्पल S8 सल्फर. ठीक है, सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो किस स्टेट में होता है? S8. ऑल मेटल्स आर मोनो एटॉमिक. ऑल गैसेस आर डायटॉमिक. जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं. पॉइंट्स टू रिमेम्बर ही है. एंड ऑल गैसेस आर डायटॉमिक. और जितनी भी गैसेस होती है वो कैसी होती है? डायटॉमिक. हमने शुरू में देखी हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होती है, क्लोरीन Cl2. ठीक है, सो हमने क्या देखा सबसे पहले कि जो मोनो एटॉमिक है उन्हें तो हम मोनो के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे. डाय को भी जो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, सॉरी दो एटम से मिलकर के बने होंगे, बट आफ्टर टू हम सभी को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल.
नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट जो है वो किन से मिलकर बना होता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। और जो मॉलिक्यूल होंगे उसी एलिमेंट के, वो भी किससे मिलकर के बने होंगे? सेम टाइप के एटम्स है, बिकॉज वो उसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, राइट? हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो एलिमेंट होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स है। सो O प्लस O क्या बन गया? O2। O प्लस O प्लस O क्या बना? O3। O2 को हम ऑक्सीजन गैस बोलेंगे और ये कैसा है? डायटॉमिक। O3 को हम ओजोन बोलेंगे, ये कैसा है? ट्राइटॉमिक, या फिर हम इसको पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं। 4P क्या बन गया? P4 मतलब फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बना, इसे हम क्या कहेंगे? टेट्राएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक। 8S तो एसिड मींस सल्फर मॉलिक्यूल बना है, इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक, बिकॉज देयर आर मोर देन टू एटम्स पार्टिसिपेटिंग टू फॉर्म सल्फर मॉलिक्यूल। नाउ आयन्स, अब जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो किस फॉर्म में कंबाइन होते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है? सो जो आयन्स होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। आयन्स को हम क्या बोलेंगे? जब भी कोई एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक से ज्यादा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक आयन में, ठीक है? किसी आपके फ्रेंड के पास थी 5 चॉकलेट्स, उसने 3 चॉकलेट किसी अपने दूसरे फ्रेंड को दे दी, ठीक है? उसके पास बची 2, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो आयन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने अपनी अपने पास से कुछ चॉकलेट्स किसी और को दे दी। सपोज वो चॉकलेट्स क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स थी, ठीक है? और जिस दूसरे फ्रेंड ने उससे चॉकलेट्स ली है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। मतलब जो डोनेट करेगा वो भी आयन बन जाएगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो भी। बट अब डिफरेंस क्या होगा दोनों में? सो पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड आयन्स। अब जिसने दिया है या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, और जिसने लिया है वो भी, ठीक है? तो पॉजिटिव कौन होगा? जो दे रहा है, जिस फ्रेंड ने चॉकलेट्स या फिर हम बोले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा आफ्टर डोनेटिंग। जिसने एक्सेप्ट किया है चॉकलेट्स या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है? कैटायन्स एंड एनायन्स, टू टाइप के चार्जेस होंगे। कैटायन्स किसे बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, ऐसे आयन्स जिन पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव, मतलब जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुआ है। एनायन्स नेगेटिवली चार्ज आयन्स होंगे, जो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। ऑल मेटल्स फॉर्म कैटायन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? कैटायन फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? एनायन, मतलब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के लिए हम जो केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करते हैं वो हम कैसे राइट करते हैं हम वो देखते हैं। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, जो वैलेंसी है, जो चार्ज होता है किसी भी आयन पे, वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले हमें वैलेंसी का मतलब पता होना चाहिए। सो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी वैलेंसी। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबॉल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। अब सपोज कि कोई जो एक कंपाउंड है वो किससे मिलकर बना? एक मेटल और एक नॉन मेटल से। तो हम उसका नेम किस बेसिस पर लिखेंगे? सबसे पहले जो मेटल है उसका सिंबल लिखेंगे, आफ्टर दैट नॉन मेटल का। द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? मेटल, कैल्शियम का सिंबल सी है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है तो ओ। सिमिलरली फॉर सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फेट FeS, तो आयरन, सोडियम, कॉपर, ये सब क्या है? कैल्शियम, ये सभी मेटल्स हैं, इसलिए इनके सिंबल्स और इनकी नेम्स जो है वो पहले लिखे गए हैं कंपाउंड में, आफ्टर दैट नॉन मेटल। नॉन मेटल्स एंड आर रिटर्न ऑन द राइट, वेयर इज कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट, ठीक है? पहले लिखे हैं मीन्स जो मेटल है वो लेफ्ट पर लिखे हैं, और जो नॉन मेटल्स है उनको हमने राइट हैंड साइड पर लिखा है।
इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जिसमें पॉलीएटम्स यूज हुए, मींस एक से दो से ज्यादा एटम्स अगर यूज हुए, तो फिर हम उनको कैसे लिखेंगे वो बताया यहाँ पर कि वो किसमें एनक्लोज होंगे, जो आयन्स होंगे, ठीक है, वो ब्रैकेट में एनक्लोज होंगे बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। ठीक है, तो अब हम लोग ब्रैकेट में उनको लिखेंगे जो आयन्स होंगे एंड आफ्टर दैट उनके नंबर की कितने नंबर में वो आयन्स प्रेजेंट है। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न व्हाट आर मॉलिक्यूल्स एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, आफ्टर दैट आयन्स क्या होता है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। थैंक यू।